इसका जो पूरा जो मतलब जो थीम है वो एकदम इन्होंने वो लैपर स्टाइल में किया हुआ देखिए। और यहाँ पे हम लोग अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग आपको ज़बरदस्त एक रेस्टोरेंट लेके जाएंगे। आज हम लोग जाएंगे वेलकम ग्रुप की ITC, वहाँ पे इन्होंने नया एक रेस्टोरेंट खोला है शोला के नाम से। और आप यकीन माने ऑथेंटिक मुगलई और ऑथेंटिक राजस्थानी खाना आपको वो सर्व करेंगे। अगर आप वेलकम ग्रुप की बात करेंगे तो वन ऑफ माई फेवरेट होटल्स है वहाँ की। जो रेस्टोरेंट का मतलब वहाँ का खाने का जो एक्सपीरियंस और जो सर्विस होती है ना वो वाकई में काबिल तारीफ होती है। उम्मीद करते हैं कि शोला जो इन्होंने नया अभी एक रेस्टोरेंट खोला है वो भी वैसी सर्विस और एकदम यूनिक स्टाइल से सर्व करेंगे हमको। तो चलिए ऑथेंटिक आपको मुगलई और राजस्थानी खाना टेस्ट करवाते हैं। चलते हैं ITC, यहाँ से जो हमारे जो लोकेशन है वहाँ से 12 किलोमीटर है ITC। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। सबसे बड़ी बात हमको वेलकम ग्रुप का जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमको इनवाइट किया उनकी जो शोला जो रेस्टोरेंट नया ओपन हुआ उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि आप लोग हमें इनवाइट करें और हम लोग आपका खाना रिव्यू करें। चलिए सीधा चलते हैं वेलकम ग्रुप और वहाँ पर चल के शोला रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करते हैं। तो बस हम लोग रास्ते में हैं, हम लोग जा रहे हैं ITC की रेस्टोरेंट शोला में। आपको इनकी लोकेशन मैं बता देता हूँ, उचियाड़ा रोड है, यूरो इंटरनेशनल स्कूल देवनगर पे। यहाँ से जैसे शादाब का आपके रेस्टोरेंट से बात करेंगे तो 12 किलोमीटर है वहाँ से। तो मतलब आजकल 10-12 किलोमीटर तो आम हो गया, लेकिन आज हम लोग जाएंगे ना आप यकीन माने ऑथेंटिक आपको राजस्थानी ऑथेंटिक आपको मुगलई खाना खिलाएंगे। और जो डाइनिंग का जो एक्सपीरियंस होगा पूरा आपको वीडियो के थ्रू हम लोग पूरा दिखाएंगे। आप यहाँ पर ज़रूर आए बिकॉज ITC का खाना मेरा फेवरेट है। तो बस देखिए हम लोग यहाँ वेलकम ग्रुप पे पहुँच चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे अंदर और इनका जो न्यूली ओपन शोला रेस्टोरेंट है वहाँ चल के हम लोग ऑथेंटिक मुगलई और राजस्थानी खाना खाएंगे। आ जाए देखिए हम लोग यहाँ पे इनका शोला रेस्टोरेंट है वो हम लोग यहाँ पे उनका खाना ट्राई करेंगे। हमको यहाँ पे इन्होंने जो इनका जो मैनेजमेंट है उन्होंने इनवाइट किया माशाल्लाह उनका रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए। चलिए सीधा अंदर चलते हैं और शोला रेस्टोरेंट पे इनका ज़बरदस्त खाना ट्राई करते हैं। नमस्ते, तो देखिए इनके लॉबी पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग चलेंगे शोला रेस्टोरेंट। एक मिनट पहले पूछते हैं वहाँ पे, यहाँ पे शशांक भार्गव जी है उन्होंने हमको इनवाइट किया था, पूछते हैं वो कहाँ पे हैं। फिर चलते हैं सीधा शोला और वहाँ पे चल के इनका ऑथेंटिक मुगलई और राजस्थानी खाना ट्राई करते हैं। पे आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया कि वेलकम ग्रुप की बात करेंगे तो मेरी फेवरेट ये मतलब ये होटल है और यहाँ की रेस्टोरेंट हमेशा ज़बरदस्त खाना हमको सर्व करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर इनका जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमको इन्वाइट किया था। शशांक जी है, शशांक जी कैसे हैं आप? शशांक गौर भार्गव जी कैसे हैं आप? सब ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको इन्वाइट किया। तो ये आपने शोला अभी स्टार्ट किया, मतलब रेस्टोरेंट अभी आपने स्टार्ट किया? जी, ये एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है जी जी, जो लास्ट मंथ हमने स्टार्ट, लास्ट मंथ आपने स्टार्ट किया हुआ। तो ये क्या मतलब ये मुगलई कुजीन और राजस्थानी कुजीन में आपका एक्स्ट्रा मतलब ये आप ये खाना मतलब ये सर्व करते हैं या इसके अलावा भी कुछ सर्व करते हैं? बिल्कुल, तो ये बेसिकली एक सराय कुजीन है जी जी। ओल्डन टाइम्स में लोग जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जब ट्रैवल करते थे तो बेसिकली सराय उनके एक रेस्टिंग हाउसेज होते थे, मतलब वो रेस्ट करते थे वहाँ पे, रेस्ट करते जी, थे जी, जी। सराय में। तो उसी तरीके का चारकोल और ग्रिल बेस्ड मोस्टली यहाँ पर खाना अवेलेबल है शोला में ना? शोला में जी जी। और राजस्थानी और मुगलाई कुजीन बेसिकली यहाँ की स्पेशलिटी है। तो अगर आप ट्रेडिशनल फूड की बात करेंगे तो वो मतलब वो खाने का मज़ा आता है। स्ट्रीट फूड में क्या करते हैं कि जैसे फ्यूजन भी ऐड कर देते हैं, बहुत चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन जब ऑथेंटिक खाने की बात आती है तो बहुत सालों से वही खाना ये लोग सर्व करें। फिलहाल अपन कहाँ पे खड़े हैं? ये जो सेक्शन आपका ये कोर्टयार्ड है, ये सैंडस्टॉर्म कोर्टयार्ड जी जी, इसको हम बोलते हैं। ये ओपन वेन्यू है, ये बेसिकली बहुत पॉपुलर है, ओपन एयर वेन्यू है, काफी सूदिंग एनवायरनमेंट जी 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 जी। इसका डेकोर है, चलते हैं बात करें अपन अंदर। चले माशाल्लाह एकदम ओपन एयर है तो आप एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। चले देखें इनकी जो सीटिंग है वो आपको बताते हैं। ये अपने शोला के पास में है ना सर? जी जी, वो जो सेक्शन है पूरा शोला का है,
रेस्टोरेंट है जी जी, ये ओपन एयर रेस्टोरेंट है जहाँ पर ड्रिंक्स स्नैक्स स्नैक्स और यहाँ की स्पेशलिटी हमारी है वुड फायर पिज्जा। वुड फायर पिज्जा अच्छा एकदम लाइव आप यहाँ पे बना रहे, तो देखते हैं फिर हम लोग ऑर्डर देखेंगे और क्या क्या ऑर्डर में तो देखते हैं आ जाए। ये इनका पूरा वुड फायर पिज्जा यहाँ पे बना रहे हैं, एकदम लाइव आपके सामने बनाएंगे, देखिए ज़बरदस्त। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग शायद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो शशांक जी उन्होंने हमको बताया, तो हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे वहाँ पे शोला, पहले शोला आपको दिखा देते हैं पूरा, उसके बाद फिर हम लोग इनका जो खाना है वो ट्राई करेंगे। आ जाएँ, जो वेलकम ड्रिंक है वो आ चुकी है यहाँ पे, ये पूरा ये बिकॉज हम लोग ये वाटर मेलन स्मैश है, देखिए पूरा इन्होंने वाटर मेलन से बनाया, वो एकदम चिल्ड है यार, ज़बरदस्त चिल्ड है माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अगर जैसे अभी मौसम यहाँ जोधपुर में ऐसा हुआ हुआ है, अगर आप जैसे ही आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे और आपको इतना चिल बनेंगे तो एकदम इतना चिल आपको ये मॉकटेल सर्व करेंगे तो एकदम आप रिफ्रेश हो जाएंगे। चलिए इसको ट्राई करते हैं और फिर हम लोग आपको ये ट्राई करते हैं पहले। ज़ोरदार मॉकटेल है यार, मज़ा आ गया, एकदम रिफ्रेशिंग और एकदम फ्रेश। और अगर आप वाटरमेलन की बात करेंगे तो मेरा फेवरेट फ्रूट है, जैसा आपको पता ही है, मैं ये मिल जाता है तो फिर मैं एकदम मस्त हो जाता हूँ। तो चलिए, तो यार वाटरमेलन के साथ साथ में इन्होंने जो जिंजर यूज़ किया है ना, वो लास्ट में आपको ऐसा टिंच मिलता है, उससे और इसकी जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ गया है माशाल्लाह। वाकई में मतलब ये मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग मिला। आप कभी आप यहाँ पर आएँ तो आप ये चीज़ ट्राई करें। इसके बाद हम लोग लेंगे इनका पिज़्ज़ा, फिर चलेंगे अपन शोला में और वहाँ पर इनका ऑथेंटिक ये क्या कहते हैं राजस्थानी फूड और मुगलाई कुजीन ट्राई करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने इनका जो मॉकटेल है वो तो ट्राई कर दिया, अब हमारे पिज़्ज़ा की बारी है। शेफ कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं आप हमारे लिए? देखिए एकदम थिन क्रस्ट ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं यहाँ पे, और इनका वुड फायर जो ओवन है उसमें जो पिज़्ज़ा बनता है ना वो वाकई में ज़बरदस्त बनता है। पिज़्ज़ा सॉस, ये पिज़्ज़ा सॉस इसमें चलेगी, देखिए इनका गज़ब या खुशबू। अभी से अब इन्होंने बेक भी नहीं किया, लेकिन जो वुड फायर की जो बात आती ना वो पिज़्ज़ा मज़ा आया था माशाल्लाह। स्वीट कॉर्न चलेगा इसमें, पिज़्ज़ा सॉस, स्वीट कॉर्न, क्या बेल पेपर, बेल पेपर्स, मशरूम्स, ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ वेलकम ग्रुप के ITC पे आना पड़ेगा। वाकई में जो मॉकटेल्स थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। अब हमारे पिज़्ज़ा की बारी है, देखिए काफ़ी ब्लैक ऑलिव चले गए, अनियन चला गया, काफ़ी ज़बरदस्त। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा चीज़, हाँ ये देखिए। अगर पिज़्ज़ा की बात करेंगे, जो पिज़्ज़ा की जो चीज़ होती है ना ये ज़बरदस्त होती है, इसको इसके इतनी ज़बरदस्त ये मेल्ट होती है कि खाने का मज़ा आ जाता है। तो सब इसका टॉपिंग तो सब चलेगी, अब इसको बेक करने की बारी है। तो शेफ देखिए इसको अंदर डालेंगे इसमें, ये देखिए क्या बात है, और इसको बंद कर देंगे। तो बस ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है, अब 5 मिनट भी नहीं लगे यार, पाँच मिनट ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में रेडी है। ये देखिए ये क्या बात है, ज़बरदस्त यार, देखो कलर्स और पूरे जो चीज़ है वो एकदम प्रॉपरली मेल्ट हो गई है। लास्ट टाइम जब ब्रेकफास्ट के लिए आए थे तब भी ये इन्होंने हमको सर्व किया था, काफ़ी एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा था विकास जी हमारा। तो चलिए बस हम लोग इसको ट्राई करते हैं, हाय 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 देखो क्या बात है, ज़बरदस्त। मज़ा आ गया, पिज़्ज़ा सॉस ज़बरदस्त इन्होंने सब जगह स्प्रेड की है, ऐसा नहीं कहीं कहीं से टेस्ट आ रहा है, पूरा जो भी इन्होंने इंग्रीडियंट्स में यूज़ किए एकदम इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो मशरूम है इसमें, इसमें स्वीट कॉर्न है, और वाकई में जो कॉम्बिनेशन ने यूज़ किया है ना वाकई में काबिल तारीफ़ है। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जो शोला रेस्टोरेंट है कैसे बनाया हुआ है, फिर हम लोग पूरा खाना खाएंगे और फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। हम लोगों का वेज तो हम लोगों ने ट्राई कर लिया, अब बारी इनका जो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा का। हमारा जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही ज़बरदस्त रहा, हमको इन्होंने पूरा जो वेलकम ग्रुप का जो मैनेजमेंट उन्होंने इनवाइट किया, वाकई में जो मॉकटेल्स थी और बाकी जो भी एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। तो चलिए अब बारी है इनका चिकन टिक्का,
पिज़्ज़ा की। ये देखिए चीज़ देखो यार, क्या बात है, लुक 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 दिस। एक नंबर यार, मज़ेदार। उसमें लेग बोनलेस यूज़ होता है तो क्या होता है वो मुंह में नहीं घूमता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। वाकई में चिकन टिक्का पिज़्ज़ा वाकई में लाजवाब है। तो चलिए ये पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलेंगे इनके रेस्टोरेंट में और वहाँ चल के इनका ऑथेंटिक मुगलई और राजस्थानी खाना ट्राई करेंगे। यहाँ पे कोर्टयार्ड पे इनका ये जो मॉकटेल था वो ट्राई कर लिया, फिर हम लोगों ने इनका वेज और नॉनवेज दोनों पिज़्ज़ा ट्राई कर लिया। अब चलते हैं इनके शोला रेस्टोरेंट में, जो कि ऑथेंटिक मुगलई और ऑथेंटिक राजस्थानी खाना सर्व करते हैं। चलें यहाँ से अपन चलते हैं, आपको पूरा एक बार पूरा रेस्टोरेंट आपको दिखा देंगे और फिर हम लोग इनका मेन्यू दिखाएंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे। आ जाए वो जो जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है वो कौन सा रेस्टोरेंट है? वो चिंकारा रेस्टोरेंट है। देखिए क्या बात है, तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं शोला में और अब हम लोग आपको पूरी रेस्टोरेंट दिखा देते हैं। नमस्ते मैम, हाउ आर यू? ज़बरदस्त, ये देखिए पूरा इन्होंने ज़बरदस्त इंटीरियर्स किया हुआ है। जस्ट जस्ट मैं आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखा दूँ, देखिए पूरा इनका ज़बरदस्त इन्होंने ये इसका जो पूरा जो मतलब जो थीम है वो एकदम इन्होंने वो लैपर स्टाइल में किया हुआ है। देखिए और यहाँ पे हम लोग इनका मुगलई और राजस्थानी खाना ट्राई करेंगे। देखिए लाइव काउंटर है यार, क्या बात है, आ जाए। ये देखिए क्या बात है, एकदम इन्होंने एकदम फील दी यार यहाँ पे, मतलब इन्होंने एक ही रेस्टोरेंट में पूरी इन्होंने फील एकदम जो एम्बियंस जो तैयार किया ना वाकई में काबिले तारीफ है। देखिए ये इनका लाइव काउंटर यहाँ पे, ये लाइव किचन है, सॉरी पूरा लाइव किचन, सब कुछ ये आपके सामने बनाएंगे, नहीं सब कुछ सामने बनाएंगे। तो चलिए आ जाए, देखिए और ये स्लो म्यूज़िक ज़बरदस्त है, तो धीरे धीरे आराम से आप सुकून से खाएँ और ये म्यूज़िक सुनते रहें। तो चलिए वहाँ बैठते हैं और वहाँ चल के देखते हैं आज हमारे इनके क्या क्या इनके लिए है हमारे लिए खाने में, आ जाए। जो टेबल है वो मिल चुका है माशाल्लाह, देखिए इनका स्टैंडिंग यहाँ पे है, वेजिटेरियन मेन्यू भी आपके सामने है और नॉनवेज भी है, पूरा आपको मेन्यू दिखाते हैं और फिर देखते हैं हमारे लिए आज खाने में क्या लेके आए हैं ये शोला रेस्टोरेंट का जो मैनेजमेंट है वो। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरा मेन्यू और देखते हैं क्या हम लोगों ने वहाँ पे इनका कोर्टयार्ड में तो वहाँ पे पिज़्ज़ा और मॉकटेल्स थी वो तो ट्राई कर ली, अब हम लोग शोला रेस्टोरेंट में आए हैं उसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। सर क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षत जी कैसे हैं आप सब? ठीक है, ऑल वेल सर। बताएं थोड़ा इसके बारे में, बताएं हमको। सो नमस्ते, माय नेम इज अक्षत, सो लेट मी टेक यू थ्रू द कल्नरी जर्नी ऑफ शोला। सो द वर्ड शोला इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड व्हिच मींस अग्नि। अग्नि द क्यूजीन व्हिच इज बीन सर्वड इन दिस रेस्टोरेंट इज इंस्पायर्ड बाय अ सराई क्यूजीन। सराई क्यूजीन व्हिच इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ अ मुगलाई एंड राजस्थानी फूड। सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रैवलर्स क्यूजीन बिकॉज़ इन द एंशिएंट टाइम व्हेन पीपल डोंट हैव द व्हीकल्स दे स्टिल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हाउ बाय वॉकिंग। सो फॉर दीस ट्रैवलर्स देयर वर सम रेस्टिंग हाउसेस व्हिच वर मेड where these travelers they just rest, used to rest, eat food, rest for a while, again move ahead and then move ahead, then they rest again. Just like that, if you see the ceiling of the restaurant, it's been designed in the form of a camp, whereas the flooring is of a regional stone, yes, which is a Jaisalmeri stone. Yes, the unique feature of this restaurant is the show kitchen live, the live kitchen you can exactly see the what the chefs are preparing for you. And the food which is being served to you is all of a charcoal and a grill based. Oh, that is great. So you can exactly have that smokiness. Smokiness in the flavor. Starters, yes, yeah. The flavors of smoke in the starters mainly and in the main course. Oh, definitely. Yes. If you can see the copper sheet all over the restaurant, gives the restaurant a rustic look. Rustic look, yeah. Whereas the artifact which has been placed on the wall is all of an ancient time and is locally sourced. You can just have a look from this point. At last, if I talk about the furniture of this restaurant, you can see the furniture, the sofas and the chairs. It's been designed in the form of a skin of a leopard, panther and cheetah. Yes. Which gives you a feel as if you're sitting in a hunting lodge in the jungle. Definitely. So we hope that you enjoy this culinary delight. Definitely. I just want a rough idea about the menu. Is it a buffet or a la carte stuff? It's basically a table d'hote menu. It's a TDH menu, fixed menu, veg and a non-veg. Non-veg. That is a fixed menu. Fixed menu, sir. Okay. तो पूरा आपको बता दिया हम लोगों ने, अब हम लोग पूरा मेन्यू आपको दिखा दें जो इनका फिक्स मेन्यू वेज और नॉन वेज दोनों का, फिर हम लोग देखेंगे वहाँ से हम लोग ये ग्लिम्स आपको बताएंगे कैसे खाना बनाते हैं और फिर हम लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अक्षत जी, थैंक यू वेरी मच।
वेलकम ड्रिंक मिली है, खस का शरबत है देखिए, और खस मेरा फेवरेट है यार। मतलब जो जो आप जैसे जो पहले हमने जो मॉकटेल पी थी वो भी मेरा फेवरेट थी, वाटरमेलन मैश था, उसके साथ में जिंजर भी थी, और यहाँ पे खस का शरबत और खस काफ़ी ज़बरदस्त थी, खुशबू आवत है यार। जोरदार, ये देखिए जो वेज का मेन्यू हमारे सामने, पनीर अंगारा हो जाएगा आपको, देखिए अगर आप इसमें दाल शोला मिल जाएगी आपको, दम अंजीर खट्टे मिल जाएंगे, क्या बात है। चॉइस और बेड्स तो बहुत सारी आपको बेड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, डेजर्ट है इनके पास में, सांगरी टिक्का आपको मिल जाएगा नॉन वेज में, मछली टिक्का है इनके पास, मुर्ग अचारी टिक्का है, पनीर लॉन्ग लटिका है, आलू का है इसमें, उसके बाद लाल मांस आपको मिल जाएगा, और धनिया मुर्ग मिल जाएगा आपको, देखिए थार पुलाव आपको मिल जाएगा, और डेजर्ट से। तो चलिए बस हम लोग वेट करते हैं, पापड़ आ गए हमारे, और देखिए इन्होंने जो एम्बियंस जो क्रिएट किया ना, वाकई में काबिल तारीफ है। ये पापड़ से काम चलाते हैं, बस वेट करें हम लोग, हमारे खाने का बहुत तेज भूख लग रही है यार। मस्त है, चलिए खाने का वेट करते हैं। अब क्या लेके आएंगे? पनीर अंगारा सर्व करें। देखिए अब हमारा पहले वेज का जो स्टार्टर हुआ है पनीर अंगारा, देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी लग रहा है यार, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये हमारा पनीर अंगारा आ चुका है, ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको शोला रेस्टोरेंट ITC पे आना पड़ेगा, और इनका ज़बरदस्त खाना ट्राई करना पड़ेगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसको चटनी लेते हैं थोड़ी सी, और यूजुअली आपको पता ही है कि मैं पूरा इसमें अंदर तक जाके देखता हूँ। देखिए ये देखिए इसको ट्राई करते हैं, चलिए बहुत सॉफ्ट है यार, लुक लुक दिस, मज़ेदार गर्मा गर्म है। पनीर अंगारा तो हम लोगों ने ट्राई कर लिया, अब देखें और क्या क्या लिखाते हैं, सबका मैं एक साथ रिव्यू करूँगा। पहले शायद ये वेज लेके आएंगे, उसके बाद में फिर नॉनवेज लाएंगे, देखते हैं क्या चलता है। पहले फिलहाल जो पनीर अंगारा की आप बात करेंगे तो वाकई में लाजवाब है माशाल्लाह, चटनी भी ज़बरदस्त यार। अब क्या लेके आए आप? मछली टिक्का। अमेजिंग यार, लुक एट दिस, गजब लग रही माशाल्लाह। कौन सी फिश है ये? सर दिस इज रिवर सोल। रिवर सोल, ओके सर्व करें। थैंक यू सो मच। You can pair it with either mint sauce or garlic sauce. Garlic sauce. We intentionally prepared the mint sauce without yogurt because then it can be paired with any of the non-vegetarian food. That is good. Most of the guests don't like it with the yogurt. With the yogurt. And your mint sauce is really very amazing. Yes. And this one is garlic sauce, right? Yes, this is garlic sauce. Okay. It is prepared in a traditional style because in the earlier times they do not used to add any yogurt to the chutneys. It used to be just the coriander, some tomatoes, very simple. Yes, very simple, but that gives very tasty, very crisp flavor. So that's what we have tried to do it here. Please enjoy yourself. Yeah, thank you. Fish mast hai yaar, zordar, ekdam soft, maza aa gaya. गार्लिक जो इनकी जो सॉस थी उसके साथ में तो हर भी ज़बरदस्त लग रही है। फ़िश मेरी फेवरेट है, अगर फ़िश की बात करेंगे तो सब, और ये हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर फ़िश की बात करेंगे, बिकॉज इसमें ओमेगा 3 होता है, और मज़ा आ गया। पनीर अंगारा बस काफ़ी ज़बरदस्त था, और साथ साथ में फ़िश टिक्का लाजवाब। तो चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं और हमारे लिए क्या क्या खाने में। तो अब हमारा जो पनीर अंगारा वो हो गया, मछली हो गई हमारी, अब क्या लेके आए आप? मुर्ग अचारी टिक्का। हाँ, मुर्ग अचारी टिक्का लेके आए, क्या बात है। ये देखिए ज़बरदस्त, तो मछली तो ज़ोरदार थी यार, मुझे लग रहा है कि ये जो अचारी टिक्का ये भी ज़बरदस्त होने वाला है। चलो इसको सर्व करें आप, ज़ोरदार, और मिंट चटनी तो वाकई में लाजवाब है यार, बिकॉज मैं कर्ड यूज़ नहीं किया इन्होंने, एकदम सिंपल उसमें बनाया है। देखिए पीसेस देखो आप, ज़बरदस्त परफेक्टली इन्होंने ग्रिल कर दिया है देखिए। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं,
ये हमारा पनीर मैंने एक और लिया था यार, पनीर मछली भी और रखी हुई है, तो पहले ये सब ट्राई करते हैं उसके बाद फिर देखेंगे इनको बताएंगे। मछली हो गई, अब बारी है इनका जो अचारी टिक्का है उसकी बारी है। देखिए अगर आप ये बोनलेस की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने लेग बोनलेस यूज़ किया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था लेग बोनलेस में जो फैट का जो कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उससे क्या है मुँह में घूमता नहीं है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे बड़ी बात एकदम फ्रेश है, एकदम जूसी है, और जो उसमें जो अचार का जो फ्लेवर है ना, कभी कभी क्या होता है अचारी टिक्का में अचार का फ्लेवर इतना ज़्यादा आता है कि वो पूरा अचार ही ऐसा लगता है कि अपन अचार खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। शोला रेस्टोरेंट का जो स्टार्टर्स हैं वो अभी तक का हमारे काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जा रहा है। तो चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं और हमारे लिए क्या क्या लेके आते हैं। तो अब हमारे मेन कोर्स की बारी है, ज़बरदस्त स्टाइल में लेके आ रहे हो यार आप। तो चलिए इसको लेके आए, स्टार्टर्स तो ज़बरदस्त थे, अब इनके मेन कोर्स हम लोग ट्राई करेंगे। मछली बहुत ज़बरदस्त थी और साथ साथ में जो चिकन टिक्का था एकदम जूसी और एकदम सॉफ्ट। अब मेन कोर्स की बारी है, चलिए इसको अपना डब्बा खोलते हैं। नहीं ये देखिए क्या बात है, ये एक बार ओपन करके दिखाओ। ठीक है, गोश्त निहारी, क्या बात है यार ज़बरदस्त। लाल मांस, राजस्थान का ऑथेंटिक लाल मांस। आलू नार पापड़, आलू नार पापड़, जी जी। दाल छोला, दाल छोला, पालक लौंग लतीका, पालक लौंग लतीका, लतीका। तो चलिए सब हम लोग ट्राई, सब तो पड़ता है बिरयानी, सब आप ओपन कर सकते हो। क्या बात है यार, चावल देखो एकदम खिले खिले से चावल है, ज़बरदस्त। एक फ़ोटो खींचेंगे हम लोग, क्या बात है। देखिए ये तो खमीरी रोटी हो गई, ये इनका बेसनी रोटी, बेसन रोटी, एंड दिस वन बीट रूट पराठा, क्या बात है। और ये हियर वी हैव द बाजरा रोटी एंड दिस इज द लच्छा पराठा। और बीट रूट रोटी ट्राई करनी है यार, क्या बात है, सब कुछ आ गया हमारा है, ज़बरदस्त। तो ये एक्सपीरियंस हमारा ज़बरदस्त रह रहा है यार, सब खाना तो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जो यूनिक स्टाइल है इनका सर्विंग का वो भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और खाना भी ज़बरदस्त है। लाल मांस, ऑथेंटिक राजस्थानी लाल मांस जो मथाने की मिर्ची से बनता है। ये देखिए कलर, देखिए आप कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस थैंक यू वेरी मच। अच्छा ग्रेवी ऑन द टॉप, यस प्लीज, अमेजिंग मैन। धनिया मुर्क व्हिच इज अ बोनलेस चिकन, एंड इट इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड इन द रूट्स ऑफ कोरिएंडर ग्रेवी। ओके, सो समथिंग द बेस ऑर्गेनिक, द बेस इज कोरिएंडर, राइट? कोरिएंडर, एब्सोल्युटली। इसकी जो ग्रेवी काफ़ी थिक है, और लाल मांस की थोड़ी बहुत पतली ग्रेवी आती है, थोड़ी बहुत सेमी ग्रेवी होती है, मतलब सेमी थिक ग्रेवी होती है जैसे लाल मांस होता है। ये हमारा लाल मांस हो गया, ये कोरिएंडर चिकन हो गया, पालक लौंग लतीका, पालक लौंग लतीका, ये वेज है, पूरा वेज है, मुझे वेज में सर्व करते हैं। दिस इज बेसिकली अ रोल ऑफ पनीर व्हिच इज स्टफ्ड विद मावा। ओह यार ज़बरदस्त, इट इज यू नो द फ्लेवर्ड विद गार्लिक, विद गार्लिक। So you will get that thar pulao, the thar pulao, mutton biryani. Yes sir. This one was veg biryani, right? This one is veg biryani. Veg biryani. We only have two biryanis in the menu. One okay. is the veg biryani and other one is mutton biryani. The mutton biryani. That is the thar biryani, right? Thar pulao. Muh mein pani aa raha hai yaar. थैंक यू सो मच। पास हो गया। अब इनकी बीट रूट वाली रोटी ट्राई करते हैं। देखिए कलर देखो उसका यार, एकदम डिफरेंट। कोरिएंडर चिकन जो कि बोनलेस है। अमेजिंग यार। मैं डिफरेंट ब्रेड भी साथ साथ में ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैंने लाल मांस के साथ में इनका जो खमीर रोटी वो ली थी, इसके साथ में बीट रोटी ली, अब इनकी बेसनी रोटी
हम लोग ट्राई करेंगे। पनीर के अंदर रोल बनाया, देखिए देखिए पनीर के अंदर इसमें मावा की स्टफिंग दी है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब बारी लच्छा पराठे की। लच्छा पराठा कितना सॉफ्ट है यार, देखिए जबरदस्त माशाल्लाह। बारी है पापड़ में, इन्होंने आलू स्टफ किया था, मेरे को नाम तो अब याद नहीं है। देखिए पापड़ में इन्होंने आलू की स्टफिंग करके और ऊपर इन्होंने जो अनार होता है उसकी गार्निशिंग की है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया। जो हमारा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा ना, वाकई में लाजवाब है। ये सब चीज़ें हमने ट्राई कर ली। अब हम लोग इनकी दाल ट्राई करेंगे। दाल ये इनकी दाल शोला है जो कि मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ साथ में जो इन्होंने स्मोकी फ्लेवर का जो टच दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। चलिए मतलब मैं सब चीज़ें खाऊंगा लेकिन एक बार सब पहले रिव्यू कर दूं। ये इनका जो वेज जो पुलाव है वो ट्राई करते हैं। देखिए और चावल खाने का जो मज़ा है ना वास्ता ही है। आपने देखा होगा कहीं भी हम लोग खाते हैं तो हम लोग ये चावल में स्पून यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज बिरयानी के मज़ा खाने का हाथ से आता है। तो चलिए वेज भी हो गई। फ्लेवर्स आ रहे हैं, मतलब बिरयानी में इन्होंने जो मसाले यूज़ किए ना फ्लेवर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको कर दिया है, बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ किया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आप महसूस कर सकते हैं। देखिए पूरा जो मटन है वो गल चुका है। छोले ने वाकई में यार चार चांद लगा दिया खाने में। खुशबू आ रही है, खुशबू। तो चलिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने ट्राई कर ली है, अब हम लोग खाते हैं, उसके बाद फिर एंड में आके वीडियो ख़त्म करेंगे। मतलब जो एक्सपीरियंस होता है ना खाने के साथ में वो देखिए आप, देखिए उसमें पास में लेके आओ। इसमें पूरे रोज़ पैलेट्स हैं और साथ में ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, खुशबू होता है यार। तो खाने के साथ में जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़बरदस्त है। कुल्फी फालूदा, द कुल्फी फालूदा, क्या बात है यार, ज़बरदस्त। तो बाजरा फिरनी, बाजरा फिरनी विद केसर, ज़ाफ़रान, सैफ्रन, ज़ाफ़रान। तो बेसिकली द बाजरा फिरनी, द गुड थिंग अबाउट द बाजरा फिरनी इज़ it does not have any sugar added to it. Sugar. It has the jaggery instead of that. Oh, that is so great. Matlab it is a better version of serving the sugar into the healthy version of healthy sweet, isn't it? And it is also made from bajra, which is very healthy also. But this is bajra, so please enjoy your desserts. Thank you very much. सबसे पहले हम लोग इनका जो बाजरा फिरनी वो try करेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि इसमें ये शुगर यूज़ नहीं किए, इसने जैगरी यूज़ किए, जिसकी वजह से ये हेल्दी स्वीट बन जाती है, हेल्दी मिठाई। तो चलिए सबसे पहले इनकी फिरनी ट्राई करते हैं। ऊपर इन्होंने ज़ाफ़रान का कोटिंग की हुई है, ज़बरदस्त। ज़ोरदार यार, बाजरे का इन्होंने बनाया है फिरनी, वाकई में काबिल तारीफ है, ज़ोरदार। बाजरे की खुशबू आ रही यार, अब इनका कुल्फी फालूदा। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया वो एकदम डिफरेंट था यार, वाकई में ये चीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस होता है डाइनिंग का यहाँ पे। अमेजिंग, स्टार्टर ज़बरदस्त थे, खाना ज़बरदस्त था और डेजर्ट तो वाकई में लाजवाब। जो कॉन्सेप्ट लेके आए ना इन्होंने, मतलब ये हेल्थी स्वीट का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं। चलिए बुरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर एंड में जाके वीडियो ख़त्म करेंगे। मुखवास सर, दिस इज़ पान, पान, क्या बात है यार, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और पान मेरा फेवरेट भी है, तो पान भी ट्राई करते हैं। पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद में फिर एंड में जाके बीच में वीडियो ख़त्म करेंगे।
जबरदस्त। जो शोला में जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। हम लोगों ने यहाँ पे जब हम लोग जब आए थे तो कोर्टयार्ड में हम लोगों ने इनकी मॉक टेस्ट ली थी। पिज़्ज़ा काफ़ी ज़बरदस्त था और चिकन का तो पिज़्ज़ा लाजवाब था। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोग लेग बोनलेस यूज़ करते हैं। लेग बोनलेस में क्या होता है कि फैट का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हम लोग यहाँ पे शोला पे आए और यहाँ पे हमने ज़बरदस्त इनके स्टार्टर्स ट्राई किए और मेन कोर्स भी बहुत ज़बरदस्त था। और साथ साथ में जो उन्होंने जो असॉर्टेड ब्रेड का जो हमको दिया था बास्केट वो भी काफ़ी ज़बरदस्त था। और थैंक यू सो मच कि हमको यहाँ का जो ITC का जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमको बुलाया और हम लोगों ने ये ज़बरदस्त खाना हम लोगों ने ट्राई किया, उसका रिव्यू किया। आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और सारे मेरे सब्सक्राइबर्स से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार यहाँ पे खाने के साथ साथ में जो एक्सपीरियंस होता है ना खाने का वो वाकई में लाजवाब था। चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी करें तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें। बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।